तो बच्चे आज आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं हम सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। सेकेंड लेक्चर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसमें सबसे पहले आज हम अलजेब्रा में देखेंगे एडिशन। आइए कॉम्प्लेक्स नंबर को एड कैसे करते हैं, बचपन में सीखा होगा आपने एड करना। आइए वो लेकिन रियल नंबर का एड करते थे, एडिशन करते थे सर, आज कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करेंगे। चलिए, जैसे आपके पास Z1 है, A1 प्लस आयोटा बी1 ये दे दिया, और Z2 दे दिया A2 प्लस आयोटा बी2। अब जोड़ना है आपको Z1 प्लस Z2, तो कैसे जोड़ोगे सर? एक काम करो, Z1 के जगह पे क्या है A1 प्लस आयोटा बी1, और Z2 के जगह पे क्या है A2 प्लस आयोटा बी2, है ना? अब देखो करना क्या है सर, ये रियल रियल को एक साथ कर लो, A1 प्लस A2, और इमेजिनरी इमेजिनरी को एक साथ कर लो, आयोटा B1 प्लस आयोटा B2। ये क्या हो गया सर, A1 प्लस A2 हो गया सर। इस दोनों से आयोटा कॉमन आ जाएगा, आयोटा B1 प्लस B2। चलिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं सर। Z1 बराबर जैसे आपको 2 प्लस 3 आयोटा दे दिया, और Z2 बराबर 1 प्लस आयोटा दे दिया। आपको Z1 प्लस Z2 निकालना है, आप कुछ मत करो। करो क्या सर, Z1 के जगह पे 2 प्लस 3 आयोटा है, इसको रख दो, और Z2 के जगह पे क्या है 1 प्लस आयोटा, इसको रख दो, प्लस 1 प्लस आयोटा ना। देखो ध्यान से, रियल ये है, रियल ये है सर। अच्छा, रियल और इमेजिनरी किसको बोलते हैं सर? जो आयोटा के साथ है उसको इमेजिनरी, और जो आयोटा के साथ नहीं है उसको रियल। तो रियल रियल को एक साथ, दो जोड़े कितना हो जाएगा 3, प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा, तो 3 आयोटा है, यहाँ 1 आयोटा है सर, 4 आयोटा हो जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा। चलो भाई अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जेड वन इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, जेड टू इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। चलो भाई इसको ऐड करो, Z1 प्लस Z2 निकालना है हम लोगों को, तो Z1 के जगह पे 2 प्लस आयोटा, Z2 के जगह पे 4 प्लस आयोटा ना। तो ये तो आपका आ गया सर, रियल रियल को एक साथ करोगे, 2 प्लस 4 6 हो गया, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा हो गया ना। तो ये तो आपका एडिशन। आइए सर अब देखते हैं सबट्रैक्शन। अब क्या देखते हैं? सबट्रैक्शन। सेकेंड चीज आपका क्या आ गया? सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन, चलिए सर सबट्रैक्शन कैसे करेंगे? सबट्रैक्शन, चलिए Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 है, और Z2 जो है सर A2 प्लस आयोटा B2 है। अब चलो Z1 में Z2 को जैसे माइनस करना है, करना क्या है सर? Z1 माइनस Z2 कर दो भाई। अब रियल में रियल को माइनस कर दो, एक काम करो A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 प्लस आयोटा B2 ना। अब करेंगे क्या सर, A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 माइनस इनटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा B2। अब रियल रियल को एक साथ कर लो, A1 माइनस A2 हो गया सर, प्लस इस दोनों से आयोटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ B1 यहाँ कितना सर B2 हो गया। चलो तो Z1 माइनस Z2 आ गया सर, A1 माइनस A2 प्लस आयोटा इंटू B1 माइनस B2। इसका मतलब किया क्या सर, रियल में रियल को माइनस कर दिया, इमेजिनरी में इमेजिनरी को माइनस कर दिया ना, आयोटा इंटू B1 माइनस B2 हो गया। चलो भाई एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, Z1 बराबर जैसे है आपका 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 है 4 प्लस 5 आयोटा। हमको Z1 में Z2 माइनस करना है, Z1 माइनस Z2 क्या करोगे बउआ? Z1 में Z2 माइनस करना है तो 2 प्लस 3 आयोटा इसमें माइनस कर दीजिए, 4 प्लस 5 आयोटा ना। तो चलो भाई 2 आप अभी तुरंत बोले हैं सर, रियल में रियल को घटा दो प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी में इमेजिनरी को घटा दो, या नहीं वैसे याद नहीं रहता है तो छोड़ो, एकदम सिंपली जो आप करते थे पहले वैसे ही करना है, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 माइनस 5 आयोटा। अब रियल रियल को एक साथ करो, 2 में 4 गया माइनस 2 होता है, और 3 आयोटा में 5 आयोटा चला गया कितना होता है, माइनस 2 आयोटा होता है, माइनस 2 माइनस 2 आयोटा आ गया। तो ये आपका एग्जांपल था सबस्ट्रैक्शन का।
तो चलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ, आइए देखते हैं। आइए बच्चे, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मल्टीप्लीकेशन सी नंबर मल्टीप्लीकेशन। आइए मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है सर। जैसे आपका जेड वन दिया हुआ है a1 प्लस आयोटा b1, और z2 दिया हुआ है a2 प्लस आयोटा b2 ना, तो z1 इंटू z2 हमको करना है। एक काम करो, a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2 हो जाएगा। अब क्या करो सर, A1 से इस पूरे को गुणा करोगे, ये A1 से ये पूरा गुणा होगा सर, फिर आयोटा B1 से ये पूरा गुणा होगा ना। A1 इंटू एकदम वर्किंग रूल को समझना है कि सर कैसे कर रहे हैं, आपको भी वैसे वैसे ही करना है सर। A1 यहाँ A2 प्लस आयोटा B2 है, प्लस आयोटा B1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2 है ना। अब चलो A1 को A2 से गुणा करोगे तो A1 A2 हो जाएगा, प्लस A1 B2 हो जाएगा सर, आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 को A2 से गुना करोगे तो ये हो गया सर आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा गुना आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर का मान तो सर माइनस होता है, लीजिए ना सर पहले ये माइनस लिख देते हैं, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस वन, इसलिए यहाँ प्लस गुना प्लस प्लस होता, लेकिन प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, b1 इंटू b2 हो गया। चलो अब देखो, जिसके जिसके साथ आयोटा है वो इमेजनरी है, और जिसके जिसके साथ आयोटा नहीं है वो सब क्या है रियल है, तो रियल को एक साथ कर लो, इमेजनरी को एक साथ कर लो, तो ये रियल आइए रियल को एक साथ कर लेते हैं, a1 a2 माइनस b1 b2 होगा, अब प्लस, अब जरा बोलो बबीता, आयोटा इंटू a1 b2 प्लस b1 a2 बोलो, ठीक है। अब देखो a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा इंटू a1 b2 प्लस b1 a2 आ गया। अब देखो यही तो z1 इंटू z2 आ गया सर, इसी तरह करना है आपको, कभी भी कोई भी दे दे मल्टीप्लीकेशन करने के लिए आपको यही प्रोसेस को फॉलो करना है। आइए जरा देखो z1 है अगर 2 प्लस 3 आयोटा, और z2 है 1 प्लस 5 आयोटा, है ना। अब z1 इंटू z2 करना है, एंजॉय कीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, बहुत मजेदार टॉपिक है। z1 इंटू z2 है सर, z1 के जगह पे 2 प्लस 3 आयोटा रखो, इंटू z2 के जगह पे कितना 1 प्लस 5 आयोटा रखो। अब देखो अब क्या करोगे सर, 2 से ये पूरा गुना होगा, फिर 3 आयोटा से ये पूरा गुना होगा 2 इंटू 1 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस 5 आयोटा होगा ना मल्टीप्लाई। अब देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 5 जा 10 आयोटा हो गया, प्लस 3 आयोटा गुना 1 कितना हो गया 3 आयोटा, और 3 5 जा 15, और आयोटा गुना आयोटा कितना आयोटा स्क्वायर का मान माइनस 1 होता है, चलो भाई माइनस 15 हो गया। चलो ये आ गया आपका 2 माइनस 15, 2 में 15 माइनस होगा तो माइनस 13 होता है। अरे रियल को एक साथ करोगे ना जी, उसके बाद इमेजनरी को एक साथ कर लो, 2 में 15 चला गया माइनस 13 हो गया, और प्लस 10 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 13 आयोटा हो गया सर, ये तो आ गया माइनस 13 प्लस 13 आयोटा। चलिए ये हो गया, एक प्यारा सा एग्जाम्पल हमने दिया था, एक और एग्जाम्पल हम लेकर के आप लोगों को दिखाते हैं सर। z1 इंटू z2 निकालना है, तो सबसे पहले z1 बराबर दिया हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा, और z2 बराबर दिया हुआ है 1 प्लस 3 आयोटा। चलो z1 इंटू z2 निकालना है सर, z1 इंटू z2 निकालना है। अब क्या करोगे, तो पहले रखो z1 के जगह पे कितना रखोगे
टू प्लस थ्री आयोटा, और जेड टू के जगह पे कितना रखोगे, वन प्लस थ्री आयोटा। चलो भाई, अब ये टू इससे गुना होगा, टू इंटू वन प्लस थ्री आयोटा जोड़, इससे ये पूरा गुना होगा, थ्री आयोटा गुना वन प्लस थ्री आयोटा। चलो भाई, ये तो टू गुना वन टू हो गया, प्लस दो तिया छः आयोटा हो गया, प्लस थ्री आयोटा गुना वन थ्री आयोटा हो गया, तीन तिया नौ आयोटा स्क्वायर, नौ आयोटा स्क्वायर हो गया सर, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान माइनस वन होता है, लो यहाँ माइनस लगा दो, माइनस नाइन हो गया। अब क्या करते हैं, रियल रियल को एक साथ, इमेजनरी इमेजनरी को एक साथ कर लेते हैं। चलो भाई, दो में नौ गया कितना होता है, माइनस सात होता है, छः आयोटा प्लस तीन आयोटा कितना होता है, नाइन आयोटा होता है। चलो भाई, माइनस सेवन प्लस नाइन आयोटा आ गया, जेड वन इंटू जेड टू, तो देख क्या रहे हैं, इसको नोट कीजिए अपने कॉपी में कलम से। आओ बच्चों, अब पढ़ते हैं डिवीजन। डिवीजन, डिवीजन क्या है सर, बहुत ही सिंपल सा चीज है। जेड वन बराबर ए वन प्लस आयोटा बी वन, और जेड टू बराबर है सर ए टू प्लस आयोटा बी टू। ये बात ध्यान देना है कि ये जो है सर जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तब सर जेड वन बटे जेड टू आपको फाइंड आउट करना है, तो जरा बोलो, जेड वन बटे जेड टू निकालना है हमको, जेड वन के जगह पे ए वन प्लस आयोटा बी वन होगा, अब जेड टू के जगह पे रख दो ए टू प्लस आयोटा बी टू। अब सर भाग देना है आपको जेड वन में जेड टू से, जेड वन में जेड टू से भाग देना है सर, तो करना क्या है, बहुत सिंपल सा फंडा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बात आप हमेशा याद रखिएगा आप लोग, कि सर जब भी आपको कभी डेनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे ना, कोई भी इमेजिनरी नंबर दिखे या कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे, तो आपको करना क्या है सर, उस नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी तरह हटा देना। तो आप कहोगे कि सर यहाँ कैसे हटेगा, यहाँ हटेगा एक टेक्निक से। कैसे सर, यहाँ तो है तो आपका ए वन प्लस आयोटा बी वन बटे ए टू प्लस आयोटा बी टू, तो कैसे हटाओगे सर, एक काम करो, अभी हम आगे एक चीज पढ़ेंगे कंजुगेट, उसमें होता क्या है, बीच वाला साइन से चेंज कर देते हैं, यानी ए टू प्लस आयोटा बी टू, यहाँ प्लस है तो माइनस दे देते हैं, माइनस है तो प्लस दे देते हैं, तो इसका कंजुगेट निकाल लीजिए, उससे ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो ए टू प्लस आयोटा बी टू है, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, ए टू माइनस आयोटा बी टू, तो ए टू माइनस आयोटा बी टू से ऊपर भी गुना कर दो, ए टू माइनस आयोटा बी टू से नीचे भी गुना कर दो, उसके बाद तो आपको सॉल्व करने आता ही है, ये आपका हो जाएगा ए वन प्लस आयोटा बी वन, यहाँ ए टू माइनस आयोटा बी टू, अब नीचे करोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह पे क्या है ए टू है, ए टू का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सर आयोटा स्क्वायर बी टू स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी टू स्क्वायर। चलो अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं सर हम, जैसे आपका जेड वन बराबर दे दिया टू प्लस थ्री आयोटा, और जेड टू बराबर दे दिया सर वन प्लस फाइव आयोटा, आपको जेड वन बटे जेड टू निकालना है, तो कैसे निकालोगे सर, जेड वन बटे जेड टू, तो जेड वन के जगह पे रखो टू प्लस थ्री आयोटा, जेड टू के जगह पे रखो वन प्लस फाइव आयोटा। अब सर टू प्लस थ्री आयोटा बटे वन प्लस फाइव आयोटा है ना सर, वन प्लस फाइव आयोटा है, तो एक काम करो सर, इसके कंजुगेट से वन प्लस फाइव आयोटा है ना, तो वन माइनस फाइव आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, वन माइनस फाइव आयोटा से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, वन माइनस फाइव आयोटा अपॉन वन माइनस फाइव आयोटा। चलिए, हमने क्या किया, ये जो नीचे में था इसको तो हटाना है सर कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो इसके कंजुगेट से हमने ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया टू इंटू वन टू, टू इंटू फाइव आयोटा माइनस टेन आयोटा, फिर थ्री आयोटा से ये गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा थ्री आयोटा गुना वन प्लस थ्री आयोटा हो गया सर, थ्री आयोटा गुना फाइव आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, तो माइनस फिफ्टीन आयोटा स्क्वायर होता सर। अब आयोटा स्क्वायर का मान तो माइनस वन होता है, तो माइनस वन होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा।
चलो नीचे क्या होगा सर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लीजिए 5i का स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए सर नीचे करते हैं, 15 जोड़ 2 कितना होता है 17 होता है, 17 माइनस 10i प्लस 3i कितना होता है माइनस सेवन आयोटा बटे एक, माइनस सर 5 का स्क्वायर 25, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, ये आपका -1 यहाँ आ जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो ये तो आ गया 17 माइनस 7 आयोटा बाई 26। इसको आप a प्लस आयोटा b के रूप में लिखने के लिए कहेगा तो इसको लिख सकते हैं 17 बाई 26 माइनस 7 बाई 26 आयोटा। तो ये बड़ा सिंपल था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ये चौथा पार्ट डिवीजन हमने देखा। तो प्लीज पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे देखते हैं। आइए बच्चे अब देखते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z1 है a1 प्लस आयोटा b1 और z2 है a2 प्लस आयोटा b2, है ना सर। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब हो ये बताना, इसका कंडीशन देखना है सर, z1 बराबर z2 कब होगा, z1 ये बराबर z2 कब होगा जरा देखो तो भाई कब होगा, z1 a1 प्लस आयोटा b1 जो है सर ये a2 प्लस आयोटा b2 के बराबर कब होगा, जब आपका रियल पार्ट जो है वो इसके रियल पार्ट के बराबर हो जाए और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाए, तो सर आयोटा तो फिक्स है सर, वो तो होना ही होना है। तो चलिए यानी सर a1 बराबर a2 और b1 बराबर क्या होना चाहिए b2, तभी सर को दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा, a1 प्लस आयोटा b1 और a2 प्लस आयोटा b2 ये दोनों इक्वल कब होगा, एक ही शर्त पर इक्वल होगा सर, एक ही शर्त पर इक्वल होगा जब आपका रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाए ना। चलिए एक प्यारा सा एग्जांपल लें, क्वेश्चन पूछ दिया सर इफ एक्स प्लस 2i इज इक्वल टू 3 प्लस y i देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए सर सॉल्यूशन इसका करते हैं सर, देखिए तो दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2i बराबर 3 प्लस y i, तो रियल पार्ट सर रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर, तो x किसके बराबर हो गया 3 के बराबर हो गया सर, y किसके बराबर हो गया 2 के बराबर हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान है। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं सर, अगर आपको 2x प्लस 3i बराबर दे दे 4 प्लस 3y i, तो आपको x और y का मान निकालने के लिए कहे तो आप तुरंत निकाल दोगे सर, सर रियल पार्ट के बराबर यानी 2x इज इक्वल टू 4, इमेजिनरी पार्ट के बराबर सर तो 3y बराबर 3, तो 2×2=4 हो गया, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया 2, y का वैल्यू 3 कैंसिल हो गया सर, y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, बहुत सिंपल है, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1। तो प्लीज आप इसको पहले नोट कर लीजिए, यही था आपका इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।